तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई, ये कैगल चल रहा है ना, ये कैगल है क्या? हाँ जी, तो वो बताएंगे, उससे पहले आपको बता देता हूँ। तो आज मैंने जिस किसान को अपने चैनल पे बुलाया है, वो कैगल एक्सपर्ट है, तो उससे जानेंगे कि कैसे उसके कैगल एक्सपर्ट होने के बाद उसने इंटर्नशिप्स के ऑफ़र आते जा रहे हैं भाई, यहाँ कर ले, हमारे इंटर्न कर ले, वहाँ कर ले, और उसको भाई मना करना पड़ रहा है, इतने इंटर्न्स के ऑफ़र आ गए हैं। तो बात करेंगे वो, और जानेंगे कि मशीन लर्निंग मुझे सीखनी है भैया, मुझे मशीन लर्निंग सीखना है भैया, क्या रोड मैप होगा बता दीजिए ना। तो सब इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले एक बड़ी प्रो टिप दे देता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे शाउट आउट्स, जिनके बेस्ट होंगे कमेंट्स मेरी तरफ से इसी चैनल पर। भाई बने रहिए तब तक, और फिर चलिए शुरू करते हैं ना ये वीडियो को, ईशान के इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। Yeah. So, hello guys. I am Ishan Datta. I am a third year undergraduate at Bharati Vidyapeeth University, Pune. My major is in electronics engineering. And one very simple thing that I get asked a lot, that you are an electronics graduate, then why data science? Yeah. See, the thing is that I always had my interest in computer science. Okay, I liked coding, but when you actually see any simple model of machine learning working, you feel that this is magic. Okay, whichever simplest model it is, you feel like that's magic. That's why I landed up in machine learning. Apart from that, I'm very active on Kaggle. Currently, I hold a 3x expert rank at Kaggle in the notebooks, data sets, and discussions category. I am also very active on hackathons. Recently, I have secured global rank 15 in analytics with the HackLife 2, rank 22 in the Machine Hack House Price Prediction Hackathon, and the most recent one is global rank 84 in the Round Hacks Data Science Hackathon. So, hi Kunal. So, I think that this will be a very wonderful session with you. Yeah, Ishan. तो ईशान ने जैसे बताया ना कि कैगल में वो 3x एक्सपर्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है हाई पे किस समय मशीन लर्निंग, और वही वो कर रहे हैं, मुझसे वही क्वेश्चंस लेंगे ना कि कैसे क्या होता है। उससे पहले ईशान, एक अभी तक का आपका कॉलेज जर्नी का कोई मज़ेदार एक्सपीरियंस हुआ हो लाइफ में, कुछ क्रेजी वन या कुछ फनीस्ट वन हुआ हो जो आपको बहुत okay, Yeah, एक बार एक्चुअली दिस मे बी अ लिटिल ऑफ द टॉपिक, बट एक्चुअली स्कूल का एक एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा फनी था वो। उसमें क्या हुआ था कि हमारे में एक कोई फंक्शन था उस टाइम पे, टीचर्स डे या कुछ था, तो कुछ जो हमारे क्लास के लड़के थे, ठीक है, होशियार लड़के, उन्होंने क्या किया कि जब पूरा स्कूल खाली था, ठीक है, स्कूल से एक घंटे वो पहले आए, उनका उनका प्लान था कि सब टीचर्स को उन्होंने बता के रखा था कि मैम हम आपको फूल देंगे, ठीक है, तो सब टीचर्स खुश थे कि वाह ये देंगे। अब उन लड़कों ने क्या किया, स्कूल एक घंटा पहले आके कि जितने भी फैंस थे, ठीक है, उनको मोड़ दिया, फैंस को मोड़ दिया, सीलिंग के फैंस को, और उनको वो फूल कहते हैं, ठीक है। जैसे ही सारे टीचर्स क्लास में आए, सब देख रहे कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये क्या कर दिया, तो सब कह रहे हैं मैम फूल है आपके लिए। तो ऐसे तो मतलब मस्तियां चलती रहती है काफी सारी, स्कूल लाइफ बस बहुत मस्त था, कॉलेज लाइफ तो आधा मेरा घर से ही हो गया। अब तो लगता है सब ऑनलाइन ही चलता है, एक साल से तो करी में हूँ। बिल्कुल, तो वो जर्नी जो होती है ना वो याद रहती है, और जो अभी ये लॉकडाउन की जर्नी ये शायद याद रहे ना रहे, बट वो स्कूल लाइफ तो अभी रिमेम्बर करते रहते हैं बारी बारी। तो ठीक है ईशान, फिर हम फटक से अपने वापस आते हैं टॉपिक। स्कूल लाइफ बेस्ट मैन, इट्स बेस्ट फन। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली ये इतनी जो मशीन लर्निंग की हाइप बनी हुई है मार्केट में इस समय, कोई मतलब 10 लोगों के पीछे 6 लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं, एक्चुअली सिनेरियो क्लियर करो थोड़ा सा। ये देखो, एक रचित जैन को तुम जानते होगे कुणाल, ठीक है, रचित जैन, अभी उनको हम काफी फॉलो करते हैं, उनका कॉम्पिटेटिव कोडिंग लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटेटिव कोर्सेज इनको जानते हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि कोर्सरा पे एंड्रयू एनजी का कोर्स कर लिया, और फिर उनको लगा कि यार मशीन लर्निंग ही तो है, बस अब यही करना है, बस उसी से फिर को पीछे पड़ गए कि मशीन लर्निंग करना है, ठीक है, बट ऐसे मत जाओ, ठीक है। ये हाइप जो बना हुआ है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब का, ये सिर्फ मैंने जितना देखा है कि जो लोग कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, काफी सारे वेबसाइट्स है, अच्छे कोर्सेज भी है, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड्स भी है, ठीक है, तो वो उन्होंने ये हाइप बना के रखा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, ठीक है, कि लोग इसमें ज्यादा जाए, जबरदस्ती दिखाया जा रहा है कि इसमें जॉब्स ज्यादा है, ठीक है, पे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। मैं कहूंगा कि इन सब चीजों पे मत जाओ, तुम्हारे पास लिंक्डइन है, तुम्हारे पास करियर वेबसाइट्स है, उन पे जाके एक बार चेक करो सही में कि ऐसा है क्या, 10 में से 6 जॉब्स सही में डेटा साइंस के है, या फिर कुछ और सिनेरियो, असली में देखोगे तो तुम्हें जॉब्स कम मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले 5-6 महीनों में मैंने काफी इंटर्नशिप्स खोजी है, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इतना भी नॉर्मल इजी सिनेरियो नहीं है, काफी ज्यादा कंपटीशन है इसमें,
रिसर्च हो रहा है, लाइक अगर तुम आरजिव के रिसर्च पेपर्स देखोगे पिछले एक साल में, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है रिसर्च में जो मशीन लर्निंग में. तो ऐसा बस सोच लेना कि आसान है या फिर आराम से घुस सकते हैं, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है. ठीक है, हर फील्ड जैसा ही है, कंप्यूटर साइंस का बस एक सब फील्ड है. तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर तुम इसमें लगे रहोगे तो कर लोगे. तो ठीक है ना, फिर बात आ गई ना गाइस वो वाली कि हाइप बनी हुई है पर इसमें मुश्किल है, क्योंकि 10 में से अगर 6 लोग कर रहे हैं, 6 में से 2 लोग बेस्ट कर रहे हैं, और 4 लोग ना देखा देखी ग्रिड 4 में चले गए हैं. ईशान के मुताबिक बात करें कि एक कोर्स एनजी वाला, उसमें समझ आ गया. हाँ, वो बेहतरीन कोर्स है, बहुत लोग उसको काफी रेटिंग दे चुके हैं, बहुत शानदार कोर्स है. हाँ, तो बट वो मशीन लर्निंग नहीं है, वो उन्होंने मशीन लर्निंग को दिखाया एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है. भाई उसके बाद कंपनी आपको जब देगी लाखों करोड़ों एंट्रीज वाला डेटा सेट, तब बताओ भाई तब करके दिखाओ. फिर आप तो ये भी रहता है ईशान. ईशान फिर आप ये बताइए कि कैगल में एक्सपर्ट बनने के लिए क्या जर्नी रही आपकी, क्योंकि बहुत लोग भागते हैं. ओके, सी मुझे कैगल के बारे में लाइक अराउंड एक साल पहले पता चला था. ठीक है, मेरी जो मेन मेंटोर है, ठीक है, अमेजोन में, वो अभी सीनियर मैनेजर है डेटा साइंस में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें सही में अगर सीखना है, तो उस टाइम एकदम ग्राउंड जीरो पे था मैं मशीन लर्निंग पे, तो तुम्हें सही में सीखना है तो तुम स्टार्टिंग से ही कैगल में तुम पढ़ते रहना. ठीक है, तुम पार्ट लो, कॉन्टेस्ट में नहीं लो. ठीक है, क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा टफ होता है कैगल कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना, बट तुम उससे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना. तो वहीं पे मुझे पहली बार उसके बारे में पता चला था. तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया. एक्चुअली इनिशियली कैगल का जो यूआई है वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हैं. ठीक है, बेसिकली उसमें 4 कैटेगरीज होती है, कॉम्पिटिशंस, नोटबुक्स, डेटा सेट्स और डिस्कशंस. ओके, सो ये क्या हो गया, कॉम्पिटिशंस यानी जितने हैकाथॉन्स जो होस्ट हो रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में, नोटबुक्स यानी आप अपने जुपिटर नोटबुक्स बना के अपलोड कर सकते हैं, पाइथन में, आर में, दोनों ऑप्शन होता है. ठीक है, उसके अलावा जो डेटा सेट्स है इसको सबसे टफेस्ट कैटेगरी माना जाता है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी सबसे ज्यादा कम होती है यूजर्स की. तो उसमें आप अपने डेटा सेट्स बना के अपलोड कर सकते हैं. एक नोट यहाँ पे मैं दे दूंगा कि चोरी किए हुए डेटा सेट्स मत लगाना, तुम अगर बहुत अच्छे रैंक पे भी हो तो तुम्हारा अकाउंट बंद हो सकता है. ठीक है, रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसे होते हुए, बहुत अच्छे नोटबुक्स लिखते थे लेकिन एक दो डेटा सेट्स कहीं और से लिए हुए थे, लाइसेंस नहीं थे, इसलिए उनका अकाउंट बंद हो गया. ठीक है, और एक डिस्कशन कैटेगरी होता है, उसमें आता है कि तुम कुछ पोस्ट लिख सकते हो, तुम किसी के कमेंट कर रहे हो, तो ये सब कुछ आता है उसमें. तो मैंने सोचा कि ठीक है, सबसे आसान डिस्कशन ही लग रहा था, कमेंट करना ही है खाली, तो उससे मैंने स्टार्ट किया, बट उससे कुछ खास हो नहीं रहा था. ठीक है, फिर मैंने धीरे धीरे थोड़े पोस्ट लिखना स्टार्ट किए, मैंने नोटबुक्स पढ़ना स्टार्ट किया कि आखिर समझ में कैसे है. उस टाइम तक मुझे मतलब पाइथन बस बेसिक्स ही आते थे, तो इतने ज्यादा डिटेल में इतने सारे फ्रेमवर्क्स एक साथ यूज हो रहे थे मशीन लर्निंग में कि अच्छा. वो एकदम मतलब सर के ऊपर से पार हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है सब एक साथ, इतना कुछ, ये क्या, कितना ही कुछ तुम गूगल कर सकते हो. ठीक है, कितने ही सिंटैक्सेस तुम गूगल कर लोगे अगर तुम्हें उतना नहीं समझ में आता है. फिर इट वॉज लाइक एक ऑनलाइन लर्निंग लूप टाइप बन गया. उस टाइम पे हम एक ऑनलाइन लूप में फंस गए थे कि हम एक ऑनलाइन कोर्स करते थे, फिर कुछ हम प्रोजेक्ट करने जाते थे, वहां पे कुछ नया मिलता था, फिर लगता था नहीं हमको अभी उतना नहीं आता है, फिर एक कोर्स कर लेना चाहिए. तो इस तरह से एक लूप बनते चला गया. ठीक है, फिर एट वन पॉइंट हम रियलाइज किए कि ये तो नहीं चलेगा. ठीक है, कि हम कोर्स पे कोर्स करते जाए, क्योंकि द थिंग इज इतने सारे कोर्सेज है, खाली यूट्यूब पे ही देख लो, कोई मतलब मैं वेबसाइट नहीं, खाली यूट्यूब पे ही देख लो, इतने सारे कोर्सेज है, हर कोर्स में कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही. ठीक है, बट ऐसे करते करते तो हमेशा कोर्स ही करते रह जाओगे. फिर मैंने सोचा कि हैकाथॉन से पार्ट लेके देखते हैं. ठीक है, तो कैगल के कॉन्टेस्ट क्या होता है कि काफी बड़े होते हैं, अगर 2-3 महीने तक चलते हैं. ठीक है, अगर तुम्हारे पास एकदम इनिशियली तुम बिगिन कर रहे हो तो वो थोड़े टफ हो सकते हैं. उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाना स्टार्ट किया, जैसे एनालिटिक्स विद्या मशीन है, कि सब काफी अच्छी प्लेटफॉर्म्स है हैकाथॉन्स के लिए. इनमें डेटा सेट्स रिलेटिवली सिंपलर होते हैं एज कम्पेयर टू कैगल. तो उनमें जब मैंने स्टार्ट किया, एंड देन मैं एक और हमारा ग्रुप है डेटा साइंटिस्ट का, ठीक है, तो उसमें मैं ज्वाइन हो गया. वहां से मुझे काफी सपोर्ट मिला, काफी लोगों से कैसे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है. वैसे हैकेथॉन्स में एक काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल लर्निंग होने लगी मेरी. ठीक है, मैं जो एल्गोरिदम्स एक हफ्ते लगा रहा था कि पहले पढ़ते हैं इसके बारे में ये क्या होता है, अच्छा एक दो कोर्स कर लेते हैं, अच्छा फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते जा रहा था, फिर देख रहा था ये यूजफुल है, अच्छा इसको पढ़ते हैं. तो वैसा एक सिलेक्टिव लर्निंग वाला एक दिमाग बन गया. ठीक है, ये हुआ कैगल के वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिशन में अगर तुम देखोगे रोज कोई एक नया नोटबुक डाल रहा है, ठीक है, बेंचमार्क सेट हुए जा रहे हैं, सबके रैंक्स बढ़े जा रहे हैं, तो तुमको बहुत स्पीड में उसको कैचअप किए रहना पड़ता है. अभी जैसे जो रिसेंट 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ कैगल पे शॉपी करके कंपटीशन स्टार्ट हुआ है. ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है कि 2 इमेजेस को कंपेयर करना है कि वो तुम्हारा सेम है कि नहीं. तो उसमें मैंने डे 0 से ही स्टार्ट कर दिया. ठीक है, मेरा नोटबुक
अभी 2 दिन तक हॉटनेस में नंबर 3 पे है। अभी अभी जैसे रिसेंटली मैंने 2 दिन के अंदर मेरा नोटबुक सिल्वर मेडल जीत चुका है, ठीक है। तो इट्स लाइक एक ऐसा जर्नी कि एक टाइम पे मैं समझ ही नहीं पाता था नोटबुक्स में लिखा क्या है, नोटबुक्स डालू तो किस चीज पे डालू, ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे इतने डिटेल्ड नोटबुक्स अवेलेबल है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर्स डाल चुके वहां पे, मैं डालूंगा मेरा क्या स्कोप रहेगा, ठीक है। बट अभी ग्रैंड मास्टर्स ने भी नोटबुक डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरा अभी टॉप 3 में है नोटबुक अभी 2 दिन के अंदर, ठीक है। उसमें मैंने लिख रखा है, पहली बार मैंने वो डिक्लेयर किया कि ये नोटबुक जो है सबसे ज्यादा डिटेल रहेगा इस कंपटीशन का। पहले दिन पे मैंने वो लिख एकदम फर्स्ट लाइन है वो नोटबुक का, और उस पर मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैंने काफी डिटेल बनाऊंगा, मैं 2 महीने बाद तुम्हें एक्चुअली नोटबुक भेजूंगा भी कि एट द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशन उसका क्या रहता है। तो उसमें मैंने मेहनत किया, फिर डेटा सेट्स मैंने कुछ कुछ अपलोड किए, तो ऐसे कर करके आफ्टर सम टाइम समझ में आने लग जाता है लाइक कि क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। मैं एक और वेबसाइट का नाम मेंशन करूंगा, पेपर्स विद कोड करके, ठीक है। ये बहुत शानदार वेबसाइट है, ठीक है। उसमें जाना, इसमें क्या होता है कि रिसर्च पेपर्स दिए हुए होते हैं। अब डेटा सेट्स भी नया फीचर उन्होंने डाला है कि डेटा सेट्स भी दिए रहेंगे। तो मान लो तुम कोई भी एक कंप्यूटर विजन टास्क पे काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो जैसे तुमको इमेज डिनॉइजिंग पे काम करना है, तो तुम उसको सब टास्क को सर्च कर लो, तुमको वो तुरंत इवेल्युएशन टेबल्स से दिखा देगा कि सबसे ज्यादा टॉप में अभी कौन सा जो है मशीन लर्निंग मॉडल है या फिर जो भी है वो है टॉप पे, ठीक है। तो तुम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, उसके ट्यूटोरियल्स खोजो, ठीक है। ये नहीं कि सब कोई अगर मान लो किसी टास्क में रेजोनेट यूज कर रहे तुम ही रेजोनेट ही यूज किए जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं। सर्च करो खुद से, एंड एक टाइम के बाद वो इजी तो नहीं बोलेंगे हम, बट चीजें समझ में आने लगती है। अच्छा ठीक ठीक है। तो जैसे ना ईशान ने बताया कि बिल्कुल की जर्नी में उसने स्टार्टिंग में फियर होता है सबको कि या फियर नहीं रखना चाहिए, चाहे आप पास हो फेल हो बात की बात है, पर उसके ने एक्सपीरियंस से सीखा। और आज उसने बताया ना कि उसकी 2 दिन के अंदर टॉप 3 में नोटबुक चली गई है। तो फिर ये लर्निंग एक्सपीरियंस आप भी लर्न कीजिए और बताते रहिए। जितने भी ईशान ने प्लेटफॉर्म का नाम लिया है ना, कैगल हुआ या पेपर, सबके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, चेक करो वहाँ पे मशीन लर्निंग के, और जो भी आपको सीखना सीख सकते हैं। और बाकी ईशान भाई से कभी भी डाउट पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में उनको बता दूंगा और आपको रिप्लाई कर देंगे। तो फिर ईशान एक लास्ट किस्त का रोड मैप बताओ, आप तो चलिए काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हो, कि अगर कोई बेसिकली जो बिल्कुल न्यू है, बेबी है कोई मशीन लर्निंग में आना चाहता है, उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा? ओके देखो यार, ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमको रोज डीएम में आता है कि मुझे सीखना है मशीन लर्निंग, कैसे सीखूं, ठीक है। इसका मैं आज तक कोई एक डेफिनेट जवाब नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मैंने खुद कोई एक पर्टिकुलर रोल मैप फॉलो नहीं किया, ठीक है। मैं कुछ बेसिक बता सकता हूँ कि ये फॉलो करो, एग्जैक्टली इसको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा लिस्ट बना दिया था कि ये इंटर बिगिनर के लिए, ये इंटरमीडिएट के लिए, ये, बट एट वन पॉइंट हमको रियलाइज हुआ कि ये कोई नहीं कर पाएगा। सो इनिशियली क्या करो कि यूट्यूब पे फ्री कोड कैंप का चैनल है, ठीक है, वो इकलौता चैनल इतना है जो तुमको सब सिखा सकता है, ठीक है। तुम किसी और चैनल में जाने की जरूरत भी नहीं है। उसमें पाइथन के 2 कोर्सेज है, पाइथन बिगिनर एंड पाइथन इंटरमीडिएट, 4-4 घंटे के 2 कोर्सेज है, वो 2 कोर्सेज कर लो, ठीक है। तुम्हारा पाइथन बहुत अच्छा हो जाएगा, जितनी भी जरूरी चीजें हैं, एक्चुअली जरूरत से कुछ ज्यादा चीजें भी हैं, वो तुमको पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि काफी लोग तुमको रिकमेंड करेंगे एनजीओएनजी का कोर्स कर लो, कोर्सेरा से। इनिशियली मत करना, कोर्स बहुत अच्छा है लेकिन वो पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो अगर तुम किसी चीज में जा रहे हो और तुम सिर्फ उसका थ्योरी करते जाओगे, वो पाइथन पे नहीं बेस्ड है, वो एक्चुअली एक ऑक्टेव या मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इनिशियली वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए कि बाप रे इतना सारा मैथ्स है, इतना ये इतना थ्योरी है, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट है, वो जो एक स्टार्टिंग में किसी चीज को करने का जोश होता है ना, वो कम हो जाता है, उस जोश को नहीं जाने देने। तो ये पाइथन के कोर्सेस करने के बाद मैं बोलूंगा कि फ्री कोड कैंप पे या किसी और चैनल यूट्यूब पे इस पे ही स्टिक करना इनिशियली। तुम चाहो तो कोई मशीन लर्निंग के बेसिक कोर्सेज ले लो, ठीक है, 1-2। उसके बाद एक फ्री कोड कैंप पे अगर तुमको थोड़ा सा डीप लर्निंग साइड सीखना है, तो jovian.ml का एक 6 वीडियो वाला प्लेलिस्ट है फ्री कोड कैंप पे ही, 0 to GANs नाम है उसको, बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट है, ठीक है। तुम्हें वो लीनियर रिग्रेशन से लेके GANs तक सिखा देगा, ठीक है। बहुत उनका आकाश है, उनके इंस्ट्रक्टर है, तो बहुत अच्छे से उन्होंने क्या था, पाइटॉर्च पे बेस्ड है वो, ठीक है, पाइथन की एक सब लाइब्रेरी है, वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर
टेंसर फ्लो वगैरह सीखना है तो टेंसर फ्लो या पाइटॉर्च एक्चुअली दो फ्रेमवर्क होते हैं मशीन लर्न डीप लर्निंग के लिए बेसिकली, तो कोई एक भी सीख सकते हो। मैंने पहले टेंसर फ्लो से सीखा था, उसको मैंने यूट्यूब से आई गेस कोर्सेरा से किसी कोर्स से सीखा था। हाँ, कोर्सेरा पे एक और कोर्स है जो है कि पाइथन फॉर एवरीबडी, ओके, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कोर्स। कोर्सेरा पे एक नोट की कोर्सेरा पे सारे कोर्सेस फ्री पे एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है, उसका फ्री ट्रायल भी नहीं है सच, तुम अगर सर्टिफिकेट तुम्हें नहीं चाहिए तो फ्री में एक्सेस हो सकते हैं। तो उसमें तुम्हें बहुत अच्छा एक इंट्यूशन मिल जाएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये कुछ काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इट विल एक्चुअली मेक यू अ गुड प्रोग्रामर। ये दो कोर्स पाइथन पे जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन पे एक दो कुछ बेसिक कोर्सेज कर लेना, ठीक है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न ये काफी है, सिर्फ मैटप्लॉटलिब भी करो तो भी काफी है, ठीक है, बेसिक कोर्सेज, ये नहीं कि 10-10 घंटे कर रहे हैं, 2-3 घंटे काफी है, ठीक है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लीनियर लॉजिस्टिक इतना कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हारा पास एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। ये जितना मैंने कहा इसको अगर तुम लगातार भी करो, ठीक है, दिन में 2-3 घंटे भी दो तो 1 महीने के अंदर इतना कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में बता रहा हूँ, इनिशियली अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तब उससे कम में भी कर सकते हो, लेकिन इतना किया जा सकता है तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया बन जाएगा कि क्या क्या होता है एक्चुअली मशीन लर्निंग में, क्या उसके सब फील्ड्स हैं, क्योंकि इट्स लाइक एआई के अंदर डेटा साइंस है, उसके अंदर मशीन लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग है, फिर उनको कंबाइन करके फिर कंप्यूटर विजन एनएलपी, सो इतने सारे सब टॉपिक्स ही है कि तुमको समझ में नहीं आया किधर जाए, हर तरफ मत जाओ, एक सेट पैटर्न में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज की जरूरी नहीं है कि अगर तुम किसी एक चीज को मान लो लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो तुमको एक ही बार में 100% समझ में आ जाए, ठीक है, चाहे तुम कितना भी ताकत लगा लो, क्योंकि क्या होता है कि इट्स लाइक कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऐसे कि तुमको हो सकता है कोई और एल्गोरिदम सीख रहे हो, कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस टाइम पता चले कि अच्छा ये इसलिए यूज होता था, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है कि हमको अब एकदम 100% समझ में नहीं आ रहा है, तुमको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो थोड़ा, फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा नॉलेज होने लगे उसके बाद तुम एक स्टैटिस्टिक्स का कोर्स ले लो, ठीक है। यूट्यूब पे बेस्ट कोर्स जो है स्टैटिस्टिक्स का वो है गिलबर्ट स्ट्रैंग का, MIT OCW चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। वो एक है सिर्फ लीनियर अलजेब्रा का है, उसमें तुम वीडियो नंबर 14 तक ही देखना, ठीक है, 30 वीडियोस का आएगा, ठीक है, 14 तक ही देखना, उतने तक ही काम का है तुम्हारा जो एक्चुअल काम में आएगा। और एक है डीप लर्निंग मैथमेटिक्स डीप लर्निंग का कुछ करके ऐसा प्लेलिस्ट है उनका, ये दो प्लेलिस्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैंने वो पूरा किया हुआ है एंड बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, मतलब तुम्हारा जो भी थिंकिंग होता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैसे काम करें उनके पीछे जो मैथमेटिक्स चल रहा है तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट ये थोड़ी सी एडवांस चीजें होगी, थोड़ा सा इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो थोड़ा सा रिसर्च पेपर भी पढ़ना शुरू करना, एकदम इजी रिसर्च पेपर से स्टार्ट करना, अगर मान लो लीनियर रिग्रेशन वगैरह से ही स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर डीप लर्निंग में जाना तो AlexNet वगैरह कम लेयर से उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम रेजोनेट 200 का पेपर लेके बैठ गए कि यार 200 लेयर समझ लेना है, वो नहीं करना है, ठीक है, सिंपल चीजों से स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट करो। काफी सारे तुम्हें गिटहब्स पर अगर तुम सर्च करोगे पेपर इम्प्लीमेंटेशंस तो उनमें मिल जाएंगे, ठीक है, कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, फिर इतना कर लोगे। और अब इसके बाद भी अगर तुमको आगे जाना है तो इट्स लाइक पेपर्स विद कोड पे तुमको मिल जाएगा कि ट्रेंडिंग रिसर्च क्या चल रहा है, कैगल के कॉम्पिटिशन क्या है, ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्ट ले सकते हो, ठीक है। तो फिर ये रहा पूरा ओवरऑल शॉर्ट सिनेरियो में रोड मैप, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज की बात ईशान ने की है ना, वो जितना भी रोड मैप बताया वो सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेम्ड किया हुआ, चिंता मत करो, भागो मत, आराम से देखो। और जैसे ईशान ने बताया कि अगर कंटिन्यूसली 1-2 बार कंसिस्टेंट रहोगे तो शायद महीने के एंड में तुम कुछ ना कुछ तो आस पास चले जाओगे, एक अलग शाइन बन जाओगे मशीन लर्निंग में, थोड़ा बहुत आने लग जाएगा तुम्हें अच्छे से, ऐसा नहीं है। तो फिर ये रहा पूरा, और इसी के बेस पे ना ईशान, यस ईशान, या एक बस इम्पॉर्टेंट चीज की मतलब 1-2 घंटे इनिशियली के लिए सही है। मेरा अपना जो था, मेरे पास एक अच्छा लक था कि उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, ठीक है, तो मुझे काफी ज्यादा फ्री टाइम मिल रहा था। तो इनिशियली जो लॉकडाउन का फर्स्ट 6 मंथ्स का पीरियड था, मैं ऑलमोस्ट डेली 12-14 आवर्स कोड कर रहा था, ऑलमोस्ट डेली, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम उस टाइम पे लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, तो इतना टाइम लगाने का एक्चुअली में जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट तुम्हें 2-3 घंटे भी दे पाओगे, इतना पॉसिबल होता है देना, स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ सीखना होता है, इतना भी दे दो बहुत है। तो ठीक है ना, फिर ईशान ने बता दिया, और ईशान की इजी स्किल्स की वजह से ईशान ने इंटर्नशिप की थी। ये बहुत मुश्किल रहता है कि टायर 2 टायर 3 से जाओ इंटर्नशिप के लिए ना, बहुत मुश्किल रहता है, बट ईशान ने स्किल डेवलप की हुई थी ना जिससे उसको इंटर्नशिप आसानी से मिल गई, और उसको अभी ऑफर्स आ रहे हैं लगातार, उसने स्टार्टिंग में बताया ना उसको ऑफर्स आ रहे हैं इंटर्नशिप के, बट ड्यू टू पेपर कॉलेज लाइफ में पेपर आ जाते हैं ना, दिक्कत हो जाती है।
और थैंक यू सो मच ईशान, तुमने टाइम दिया चैनल पे, और काफ़ी ब्लरी इमेज थी उसको मशीन लर्निंग में से पास करके क्लियर कर दिया तूने, एक अच्छा इमेज दिया लोगों को रोड मैप के बारे में, कैगल के एक्सपर्ट के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुलान, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, यू आर सच अ फन लविंग पर्सन। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और हाँ अभी तक देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।